आज एनएसयूआई की जिला इकाई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा सांसद राकेश सिंह के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम एक पत्र सौंपने पहुंचे, लेकिन बीच में ही भारी पुलिस बल बैरिकेटिंग करके खड़ी हुई थी, जिसके चलते उन्हें राकेश सिंह के निवास तक नहीं जाने दिया गया, जिससे रास्ते में ही अपन सौंपा गया। दरअसल जेई और नीट की परीक्षाओं के विरोध में यह पत्र सौंपा गया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मांग है कि कोरोना महामारी के चलते यह एग्जाम न लिए जाए, क्योंकि इस एग्जाम में हजारों की संख्या में छात्र शामिल होंगे, जिससे कोरोना फैलने का डर है। वहीं 2 माह के बाद इस एग्जाम को करवाने की बात कही जा रही है। इसमें जेईई के जो एग्जाम हो रहे हैं, इसको लेकर पूरे देश में सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के छात्र संगठन को छोड़कर पूरे देश के छात्र संगठन, हर यूनिवर्सिटी का छात्र इस बात का विरोध कर रहा है कि जब कोरोना काल के चलते देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे डिसीजन लिए गए, बहुत सारी जन सुविधाएँ, ट्रेन रोक दी गई, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, तो क्या कारण है कि JEE का एग्ज़ाम उस दौर पर लेना जब कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। छात्र संगठन ये लगातार मांग कर रहे हैं कि JEE के एग्ज़ाम को रोका जाए और 2 महीने बाद उसको लिया जाए। अगर कल इसका एग्ज़ाम होता है और अगर इसमें पूरे देश में लाखों छात्र भाग लेंगे और अगर छात्रों को कोरोना संक्रमण होता है तो क्या इसकी जवाबदारी सरकार लेगी? क्या उनका बीमा कराएगी? और अगर इससे कोई किसी छात्र की जान जाती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा?